सपोज एक पी डी एफ हमें गिवन है एफ एक्स थीटा इक्वल टू वन बाई थीटा वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन थीटा और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करनी है सपोज थीटा इज इक्वल टू वन अगेंस्ट अल्टरनेटिव थीटा इज इक्वल टू टू तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं पहला ये हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है दूसरा पीडीएफ हमें गिवन है और तीसरा दो क्रिटिकल रीजन हमें गिवन है तो दो क्रिटिकल रीजन्स गिवन है तो इसमें हमने क्या किया इस क्रिटिकल रीजन का साइज कैलकुलेट कर लिया जिसे हम अल्फा कहेंगे और इस क्रिटिकल रीजन की पावर हमने कैलकुलेट कर ली जिसे हम वन माइनस बीटा कहेंगे सिमिलरली सेकेंड क्रिटिकल रीजन इसका साइज़ हमने कैलकुलेट किया एल्फा वन और इसका पावर हमने कैलकुलेट किया वन माइनस बीटा वन तो लास्ट की कुछ लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीज़न क्या होता है जिसे हम अल्टरनेटिवली बेस्ट क्रिटिकल रीज़न भी कहते हैं तो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन के लिए कंडीशन क्या है कि जो अल्फ़ा वन है अगर हमारे पास एक क्रिटिकल रीजन डब्लू है एक क्रिटिकल रीजन डब्लू वन है तो इस केस में जो डब्लू वन का साइज होगा ये डब्लू के साइज़ से कम होना चाहिए और साथ में इसकी पावर यानी W की पावर वन माइनस ये W1 की पावर से ज़्यादा होनी चाहिए अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो हम कहेंगे W यहां पर हमारा क्या होगा W इज बेस्ट क्रिटिकल रीजन और मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन अब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कब होगा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन कब होगा इसके लिए कंडीशन डिपेंड करती है हाइपोथेसिस हमारी किस तरह की अगर सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है तो उस केस में W बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा और सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है या कंपोजिट हाइपोथेसिस है या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस है तो उस केस में W हमारा यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन को हम बेस्ट क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं बी भी कहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है देखिए इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हमें डेवलप करने हैं और हर क्रिटिकल रीजन का साइज़ हमें कैलकुलेट करना है और देखना है ऐसा क्रिटिकल रीजन जिसकी पावर क्या है मैक्सिमम है और साथ में उसका साइज़ बाकी क्रिटिकल रीजन के बराबर है या उससे कम है तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा हमारे लिए तो इसका सोल्यूसन हमें दिया नेमन एंड पियरसन ने तो इसे हम कहते हैं नेमन पियर्सन लेमा तो इस लेमा का यूज करके हम बेस्ट बेस्ट क्रिटिकल रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस होगी इसी तरह से अगर सिंपल वर्सेस कंपोजिट या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस है तो उस केस में हम लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट यूज करते हैं तो अब नेमन पियर्सन लेमा क्या होती है ये इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और आपका फिर से स्वागत है स्टेटस्टिक्स लर्निंग चैनल में आ, कुछ लेक्चर वीडियोज में लास्ट की क्लासेज में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथिस टाइप्स ऑफ एरर साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन और पावर ऑफ टेस्ट पे आ, कुछ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो इस क्लास में हम देखेंगे नेमन पियर्सन लेमा क्या है तो नेमन पियर्सन लेमा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है आई होप आपको ये समझ में आया, हो, आया होगा जैसे एक पीडीएफ हमें गिवन है दो क्रिटिकल रीजन गिवन है तो इसमें हमें बताना है कि भाई बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या होगा तो हमें क्या करना होगा वन बाई वन दोनों क्रिटिकल रीजन का साइज uh, कैलकुलेट करना होगा और पावर कैलकुलेट करनी होगी तो यहाँ पे जिस क्रिटिकल रीजन की पावर मैक्सिमम होगी और साथ में उसका साइज़ क्या होगा बाकी क्रिटिकल रीजन के बराबर होगा या उससे कम होगा तो वो क्रिटिकल रीजन क्या होगा बेस्ट क्रिटिकल रीजन होगा तो इस केस में नेमन पियर्सन लेमा इस प्रॉब्लम को हमारी सॉल्व करती है हमें इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी तो नेमन पियर्सन लेमा कहती है भाई कोई भी कांस्टेंट के जो क्या है नॉन नेगेटिव नंबर है दैट इज के इज ग्रेटर देन जीरो इस कंडीशन के लिए जो क्रिटिकल रीजन डिफाइन होगा क्रिटिकल रीजन डिफाइन होगा कि भाई जो सैम्पल स्पेस हमारा है सैम्पल स्पेस में लाइवलीहुड फंक्शन का रेशियो लाइवलीहुड फंक्शन का रेशियो मीन्स लाइवलीहुड फंक्शन अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथिस एंड लाइवलीहुड फंक्सन अंडर नल हाइपोथिसिस एल वन यहाँ पर लाइवलीहुड रेशियो uh, है एच वन कंडीसन के लिए और एल जीरो है एच uh, नॉट के लिए तो ये रेशियो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन के होना चाहिए अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो इस इनक्वलिटी को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इस इन के एक साइड में सैम्पल ऑब्जर्वेशनस होंगे और एक साइड में बाकी कॉन्स्टेंट्स वैल्यू चले जाएंगी तो जो रिजल्टेंट क्रिटिकल रीजन या रिजल्टेंट इन हमें मिलेगी वो इनक्वलिटी क्या होगी हमारा एक क्रिटिकल रीजन होगा और क्रिटिकल रीजन अपने आप में क्या होगा बेस्ट होगा इसी तरह से एक्सेप्टेंस रीजन भी यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं तो एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस एल जीरो अपॉन सॉरी एल वन अपॉन एल देन के तो इस तरह की कंडीशन को इस तरह की कंडीशन को सॉल्व करने पे जो भी क्रिटिकल रीजन हमें मिलेगा दैट क्रिटिकल रीजन विल बी आवर मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन और बेस्ट क्रिटिकल रीजन तो आई होप तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में लेमन पियर्सन लेमा कैसे हम प्रूफ करते हैं और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे थैंक यू